बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लॉजिकल रीजनिंग नेशनल टेस्टिंग सर्विस के पेपर के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी के सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग ये पैरा हमारे सामने है और इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके और इस पैरे को खुद एक दफ़ा रीड कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस पैरे में उसने कहा यह है कि ब्लू ब्लड कोई कंपनी है जो प्राइवेट ब्लड प्रोडक्ट लेती है, यानी ब्लड लेती है मुख्तलिफ लोगों से और उसको आगे मरीजों को प्रोवाइड करती है, और उसकी कुछ शर्तें हैं जो बंदा खून दे सकता है। एक तो उसने वजन की शर्त रखी कि उसका वजन 105 पाउंड होना चाहिए। दूसरा, उसको ने मलेरिया की मेडिसिन ना ली हो पिछले 3 साल के अंदर। तीसरा, उसको कभी हेपेटाइटिस की बीमारी ना हुई हो। चौथा, उसने कभी इंटरवेनस ड्रग ना ली हो, यानी टीका लगा के जो नशा करते हैं वो नशा उसने कभी ना किया हो। और ब्लू बर्ड की जो नर्सें हैं वो इस हवाले से ट्रेंड हैं और वो ये जानती हैं ट्रैवलिंग के हवाले से कि ब्लड डोनेशन पे सफ़र का क्या असर होता है। मसलन जो भी बंदा मलेशिया का सफ़र करता है उसको मलेरिया की मेडिकेशन लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदा मलेशिया का ट्रैवल करेगा और मलेरिया की मेडिकेशन ली होगी उससे आप ब्लड नहीं ले सकते। इसी तरह जो सिंगापुर में एंटर हो जाता है वो ऐसा बंदा होता है जिसने कभी इंटरवेनियस ड्रग नहीं ली होती। इसका मतलब है सिंगापुर में एंट्री के वक्त ये टेस्ट होता है, तो जिसका प्रूव हो जाए उसने कभी ड्रग यूज़ नहीं की उसी को वो एंट्री देते हैं। तो एंट्री हो गई तो ये इस बात का प्रूफ है कि उसने कभी इंटरवेनियस ड्रग्स नहीं ली। लेकिन अगर एंट्री नहीं हुई तो रिजेक्शन की वजह और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रिजेक्शन की वजह ड्रग्स ही हो। और जो गोरोसीमी में ट्रैवल करता है उसको हेपेटाइटिस हो जाती है, तो गोया उसका भी हम ब्लड नहीं ले सकते। तो ये उसने इस शर्तें बताई। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई ए पर्सन फ्रॉम सेलिंग ब्लड टू ब्लू ब्लड, ये जो कंपनी है, कौन सा शख्स डिसक्वालीफाई नहीं होगा, यानी वो ब्लड दे सकता है, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कौन होगा, जो ऊपर वाली दी हुई ममनुआ चीजों में से कोई चीज करे। तो ऑप्शन का जायजा लेते हैं। ऑप्शन ए कहती है ट्रैवलिंग टू मलेशिया 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले वो मलेशिया गया, तो 2 साल पहले मलेशिया गया तो इसका मतलब उसको मलेरिया की दवाइयां दी गई, तो 3 साल की शर्त थी कि 3 साल तक उसने मलेरिया की मेडिकेशन ना ली हो, इसने 2 साल पहले ली है, तो फिर इसका मतलब हम ब्लू वाले इससे तो ब्लड नहीं लेंगे, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया। हमें ढूंढना है जो डिस्क्वालीफाई ना हो, तो ए आंसर नहीं है। बी कहता है हैविंग वंस वेड 110 पाउंड एंड नॉट वेइंग नाउ वेइंग 95 पाउंड, पहले उसका वजन 110 था लेकिन अब 95 है, तो वजन की शर्त 105 की है, तो उसका वजन 105 चूंकि नहीं है तो अब ये उससे ब्लड नहीं लेंगे, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। सी कहता है बीइंग डिनाइड एडमिशन टू सिंगापुर, सिंगापुर में दाखले से उन्होंने इनकार कर दिया। अगर तो दाखिल हो जाता तो प्रूफ था कि उसने नशा नहीं कभी किया, लेकिन दाखिल नहीं हुआ तो हमें नहीं पता कि उसने नशा किया था कि नहीं किया था, क्योंकि डिनाई करने की रीज़न और भी हो सकती हैं। वीज़ा ना देने की, एंट्री ना देने की वजह सिर्फ ड्रग ही तो नहीं होती, और भी हो सकती हैं, तो इसलिए सिंगापुर में उसकी डिनाई जो है वो हमें पक्का प्रूफ नहीं देती कि वो ड्रग यूज़ करता है या नहीं करता, तो इसलिए ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो यही ढूंढना था जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो आंसर चॉइस सी है। डी और ई को भी चेक कर लेते हैं। डी में कहा कि गुरुस्वामी 5 साल पहले वो गया था, तो उन्होंने कहा जो गुरुस्वामी जाता है तो उसको हेपेटाइटिस हो जाती है, तो हेपेटाइटिस जिसको हो जाती है उससे हमने पूरी लाइफ ही नहीं ब्लड लेना, इसलिए ये जो है वो ट्रैवलिंग करने वाला गुरुस्वामी को ये डिस्क्वालीफाई हो गया। और ई यूजिंग इंटरवेनियस ड्रग दैट वर लीगल एट द टाइम, कानूनी थी, तो पैरे ने कानूनी की शर्त नहीं लगाई कि लीगल ड्रग लेता था कि इलीगल ड्रग लेता था, बात यह है कि ब्लड उससे नहीं लेना जो इंटरवेनस ड्रग्स यूज करता था, इसलिए यह भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ए बी और डी ई में चारों में वो कंडीशंस हैं जो बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देती हैं, सी में जो बात है वो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करती, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करती, इसलिए इस पैसेज का आंसर चॉइस सी होगा। तो आप इसको 2-3 दफा सुने वीडियो को रिपीट करके ताकि बात आपके जहन में क्लियर हो जाए। ये ऐसी चीजें हैं बाज़ का तो एक दफा सुनने से बात समझ नहीं आती, तो इसको 2 दफा 3 दफा 4 दफा